हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुग्गू एक्स्ट्रा। और आज मैं तुम्हें एक ऐसा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। इसमें एंड मोमेंट तक ये डिसाइड नहीं था कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है, और मेरा जीतना मेरे अपोनेंट के हाथ में था। अब तुम बोलोगे ये कैसे, क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज था और तुम्हें भी अब पता चलेगा आगे देखने पे कि ऐसा कैसे, क्योंकि जनरली क्या होता है, हमारा जीतना हमारे हाथ होता है। अगर हम हमारे अपोनेंट को अटैक करेंगे तो हम जीत रहे, मगर इस गेम में ऐसा नहीं था। मेरा जीतना एकदम मेरे अपोनेंट के हाथ में था। अगर वो चाहता तो मैं जीतता, वो चाहता तो मैं हारता, ये सीन था। अभी तक मैंने जो भी बोला वो कुछ भी सेंस नहीं बनाया होगा, आई नो, पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा सब कुछ सेंस बनाएगा। तुम वापस से मेरा इंट्रो सुनना गेम खत्म होने के बाद, तो तुम्हें सब कुछ समझ आएगा। यहाँ पे गेम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव चल रहा है, मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ एग्रेसिव खेलने का, मगर मिडनाइट गायब हो जाती है और मिडनाइट से एग्रेसिव खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे उसका वेपन तो खत्म हो गया, उसकी एबिलिटी। अब इसको ग्रैब करके एक लोअर चिपकाता हूँ, ये लोअर चिपकाया उस पर, अब एक ये मार अपना रेंज अटैक। अब पास में जाके ग्रैब करूंगा, मगर उसने लात मार दी यार मुझे, अब ग्रैब हो गया ठीक है। और कीप फाइटिंग बोल रहा है यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना एग्रेसिव खेलने का मिडनाइट से, और कितना एग्रेसिव खेलो, मगर ठीक है यार, मिडनाइट को हर कोई कीप फाइटिंग बोलता है तो उसको भी मैं कुछ वो नहीं बोलूंगा, मगर मैं ट्राई कर रहा हूँ एग्रेसिव खेलने का ठीक है। मैं देखो बार बार गायब नहीं हो रहा हूँ, उसके पास जाने का ट्राई कर रहा हूँ, मैं बार बार हॉप कर रहा हूँ और गायब होने का कम से कम ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरी शैडो एकदम सही टाइम पे कनेक्ट हुई, 20 सेकंड बचे है भाई। अब ये काटे चुबा दिए भाई, अब तो मरने पे आया है बीस्ट, अब बस ये मरने पे ही आया। देखो 4 हेल्थ बची, अब तुम बताओ कौन जीत रहा है यहाँ पे, चलो बताओ बताओ कौन जीत रहा है यहाँ पे। मिडनाइट जीत रही है ना, अब देखो तुम ठीक है। ये दोनों ने हैवी मारा, किसी का ही कनेक्ट नहीं हुआ, अब उसने फिर हैवी मारा मगर उसका कनेक्ट हो गया ठीक है, ये लोअर भी कनेक्ट हो गया। अब कौन जीत रहा है बताओ, अब एम्परर जीत रहा है ना। अब मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं शैडो में आके एम्परर का अटैक खाता हूँ, और मैं किस्मत के भरोसे हूँ कि अगर उसने मुझे मारा तो मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी और मैं जीत जाऊंगा, और अगर उसने नहीं मारा तो वो जीत जाएगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या एम्परर मुझे मारेगा? और ये उसने मार दिया भाई, हेल्थ देखो 16% हो गई मेरी और मैं जीत गया हूँ 2% से 16%। और उससे भी अच्छी बात, भाई ने गुड गेम बोल दिया यार फाइनली। और तुमने देखा कि गेम में एक्चुअली हुआ क्या, स्टार्टिंग में मेरा अपोनेंट के पास 1% हेल्थ थी और मेरे पास ज्यादा हेल्थ थी, फिर उसने मुझे मारा तो उसने मेरे को 2% हेल्थ पे ले आया 2% हेल्थ पे, और वो आगे 9% हेल्थ पे, फिर मैं शैडो में आया तो मैं आगे 16% हेल्थ पे और वो आगे 0% हेल्थ पे। तुम देख रहे हो मतलब कि 10 सेकंड में 4 बार गेम बदला, और मुझे तो लग नहीं रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा था वो मेरे शैडो को देख लेगा और वो मार नहीं पाएगा, मगर आखिरी में कुछ समझता नहीं यार, ऐसी अंधाधुंधी में खेला जाता है। यहाँ पे मेरी शैडो फिर कनेक्ट हो गई, ब्लिंक कनेक्ट हो गया ठीक है। मैं अभी तक शैडो कनेक्ट होगी शैडो कनेक्ट होगी ये बोलता था, तो तुमने बोला कि भाई शैडो का नाम ले, तो ठीक है भाई ब्लिंक कनेक्ट हो गया ठीक है, ब्लिंक कनेक्ट हो गया मेरा। मगर यहाँ पे बीस्ट ने खुदाई करी, उसमें हम फंसे नहीं, बीस्ट की खुदाई से हम बाहर निकल गए। ये भाई गायब, कहाँ है मिडनाइट? अब मैं एक और बार ब्लिंक मार दूंगा तो मेरी हेल्थ फिर गेन हो जाएगी देखो। और मैंने हॉप क्यों कर दिया यार, वहाँ गलती कर दी, आराम से ग्रैब हो जा रहा था या अटैक कनेक्ट हो जा रहा था, मगर मैंने हॉप करके गलती कर दी, मगर कोई ना, यहाँ पे मेरे किक कनेक्ट हुई, एक लोअर भी कनेक्ट हुआ। अबे यार भाई उसकी शैडो कनेक्ट हो गई, ये गायब, ये रेंज मारा, अब फिर ब्लिंक। भाई साहब देख रहे हो हेल्थ कितनी सारी गेन हो रही है, मैं इसी ले रहा हूँ क्रिटिकल वाला टैलेंट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे लेवल पर ज़्यादातर लोग इसको डॉज नहीं कर पाते यार मिडनाइट के शैडो को, तो मुझे बहुत सारी हेल्थ मिलती है, एक दो गेम में तो मतलब 2-3 शैडो कनेक्ट हो ही जाती है, तो तुम 500 मांग लो तो लगभग 1000 के आसपास तो ऐसे ही हेल्थ हो जाती है। देखो फिर कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे इसको लोअर मारूंगा, ओ रेंज, अरे यार उसकी कनेक्ट हो गई, ओ हो, कौन जीत रहा है, ये भी क्या इंटरेस्टिंग गेम होने वाला, नहीं नहीं ये तो हम क्लियरली आराम से जीत रहे हैं। यहाँ पे डॉच करके पीछे आ गया इसके, अब बस उसी ने हार मान लिया, चलो गुड गेम के साथ खत्म हुआ। ये चीज मेन बात है ना, गुड गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। और ये गेम जो मैं तुम्हें अगला दिखा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं तुम्हें इसमें कुछ चीज बताने वाला हूँ ठीक है। पहले गेम स्टार्ट होता है, नॉर्मली जो हो रहा है मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। इसकी बढ़िया से किक कनेक्ट हुई, गेम बढ़िया आराम से चल रहा है ठीक है। यहाँ पे मेरा बेसिक कैंसिल किया, मगर कैंसिल करके मैंने गलती कर दी, वहाँ पे मुझे बॉम्ब मारना था मगर मैंने बॉम्ब मारा नहीं, मगर कोई ना, हमारा स्पेशल अटैक भी कनेक्ट हुआ। यहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हुआ अपर वाला, अब इसने देखो एक हैवी मारा, ये दूसरा हैवी मारा, ये उसने रेंज मारा, अबे तीसरा हैवी मारा उसने, अभी चौथा हैवी मारा, अब ये देखो हैवी ही हैवी मार रहा है, पांचवा हैवी मार रहा है, और मैंने उसको कीप फाइटिंग बोला ठीक है। अब यहाँ पे मैं शैडो में आ गया और मैं उसको कीप फाइटिंग बोल रहा हूँ कि भाई बस हो गया ना यार, 6-7 मतलब 5-6-7 तुमने जितने भी मार लिए हैवी अटैक, बहुत हुआ भाई, अब बंद करो आप। तो यहाँ से ना गेम थोड़ा टॉक्सिक होना चालू हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कैम कर रहा था या वो कुछ ये कर रहा था, हो सकता है उसने ना नोटिस भी ना किया हो कि वो स्पैम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बार होता है
ये मेरे साथ भी होता है कई बार, मैं ना सार्च का स्पिनिंग अटैक मार रहा हूँ, 2-4 बार मैंने लगातार मार दिए। कभी कभी ये होता है कि हम बुलवक का बेसिक ही बेसिक मारे जा रहे हैं, या फिर हम ये लिंक्स का लोअर अटैक मारे जा रहे हैं, ये होता है और ये मेरे साथ भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसने कुछ गलत किया या वो हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो इसमें क्या होता है अटैक अब दोनों कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा संभल के खेलने लग रहा हूँ इसने, क्योंकि हैवी ज़्यादा मार रहा है, तब ऐसे में क्या होता है गेम धीरे धीरे टॉक्सिक होने लगता है। तो मैं तुम्हें बोलू भाई, अब ये देखो अब इसने कीप फाइटिंग बोलना चालू कर दिया मुझे, जबकि फाइट दोनों ही कर रहे हैं, वो भी फाइट कर रहा है और मैं भी फाइट कर रहा हूँ। बस ये हुआ स्टार्टिंग में कि उसने 5-6 लगातार हैवी अटैक मारे, इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग में कीप फाइटिंग बोला, अब वो मुझे ऐसे ही कीप फाइटिंग बोला जा रहा है। शायद उसने नोटिस नहीं किया, या उसने भी मतलब उसके भी दिमाग से उड़ गई ये बात कि उसने भी स्पैम किया था याली बात। तो ये चीज़ ना इस गेम को बहुत बुरा बनाती है, इसीलिए ना टॉक्सिक बना होता है। और एक वो होता है जो प्योर कैंपिंग है ना, कैंपिंग है तो वो कैंपिंग है, उसमें क्या है जो कैंपर उसको पता है वो कैंपर है, और जो एग्रेसिव खेलने का ट्राई कर रहा है उसको पता है कि भाई वो एग्रेसिव खेलने का ट्राई कर रहा है। मगर इस गेम में क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई वो स्पैम कर रहा है और उसको लग रहा है कि भाई मैं उसको थोड़ा टॉक्सिक बन के कुछ कर रहा हूँ या कुछ तो भी हो रहा है, जबकि गेम नॉर्मल चल रहा है। और ये बात शायद उसने नोटिस नहीं करी होगी कि उसने स्पैम कर रहा है पहले राउंड में, और ये चीज़ होती है, ये मेरे साथ भी होती है, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ना गेम है ही ऐसा। यहाँ तुम ना अपने अपोनेंट के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ खामियाँ निकालोगे और उससे गेम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जैसे लेट्स अगर तुम्हारी और मेरी फाइट हो रही है ना, और अज्यूम करते हैं मैं जीत जाता हूँ, तो उसमें क्या होगा, तुम डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में एक दो बात ऐसे घूमेगी कि भाई वहाँ पे इसने बॉम्ब ज़्यादा मार दिया, या फिर वहाँ पे इसने ये चीज़ कर दी, या वहाँ पे इसने बेसिक अटैक ज़्यादा मारे, क्योंकि ये गेम है ही ऐसा, ये बहुत ही स्पैमी गेम है। मैं बता रहा हूँ ये गेम की दिक्कत है, ये गेम तुम्हारे दिमाग पे ज़्यादा दे देता है। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये प्लेयर अच्छा है, बस इसने स्टार्टिंग में गलती से इसके साथ ये हुआ कि इसने 4-5 लगातार हैवी अटैक मार दिए, मगर इसके चक्कर में पूरा गेम ही हमारा ना एकदम टॉक्सिक पना बन गया है। और मैं ज्ञान की बातें क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये गेम खेले हुए मुझे काफी टाइम हो गया, मतलब 2-3 घंटे हो गए, और मेरा दिमाग शांत हो गया, और गेम के अंदर तो मैं खुद टॉक्सिक था। अब मैं तुम्हें जो फाइनल राउंड दिखाने वाला हूँ, मतलब ये गेम का मैं तुम्हें बस आखिरी राउंड बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से इस गेम में ये हो रहा था कि बंदा फायर गार्ड से बस आगे भागे जा रहा था, मतलब पीछे भागे जा रहा था, और बस अपनी पिचकारी मारे जा रहा था मेरे ऊपर। तो इसलिए अब हम दोनों यहाँ पे कैंपिंग खेल रहे हैं, देखते हैं कौन बेटर कैंपिंग कर पाता है। और इस गेम में मैंने शैडो को इस तरह से डॉच किया फायर गार्ड की, जैसा मैंने आज तक कभी किया नहीं था। तो तुम मुझे बताओ कि ये कोई न्यू चीज है या ऑलरेडी गेम में एग्जिस्ट करती थी। अब देखो उसका शैडो बार फुल हुआ और यहाँ पे मैंने बॉम्ब मार दिया, मुझे ये बात पता नहीं थी, लिटरली बता रहा हूँ, आज मुझे पहली बार पता चला कि हम इसके शैडो को इस तरह से भी डॉच कर सकते हैं। मुझे ये पता था जिसका एक्सप्लोजन होता है ना उसको हम बॉम्ब से डॉच कर सकते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था जिसकी अपर वाली शैडो है उसको भी हम बॉम्ब से ऐसे डॉच कर सकते। तो क्या मैंने कुछ नई चीज़ की डिस्कवरी करी है, या ये चीज़ ऑलरेडी गेम में लोग यूज़ कर रहे थे, अब मुझे वो तो नहीं पता है। मगर जो भी यार, अगर तुम्हें नहीं पता होगा या तुम्हें पता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो पहली बार पता चली है ये बात। अब इसको थोड़ा सा ट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले राउंड में मुझे ट्रोल कर रहा था, इसने बहुत गंदी तरीके से हराया था पहले राउंड में एकदम कैंपिंग कर करके। अब मैं तो आगे आ ही नहीं रहा, भाई जीत गए हम तो। चलो ठीक है यार, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जाना, बाय।